भांगड़े के? जरा मुझे कोई बताएगा, जरा से थोड़ा सा ढोल दीजिएगा, क्या स्टेप्स होते हैं भांगड़े के? क्या और फूलों का खिलना नजर आने लगा है, आ रहा है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जरा गाने की आवाज हल्की कर दे पीछे, डिस्टर्बेंस हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? और आज सुबह मैं बड़ी सुस्ती थी, पता नहीं, मैं अपने मेकअप आर्टिस्ट को भी बोल रही थी मुझे बड़ी नींद आ रही है, बड़ी सुस्ती हो रही है, लेकिन जैसे ही मैंने स्टूडियो में कदम रखा है, ढोल वालों को ढोल बजाते हुए सुना है, मेरी सुस्ती तो कहीं कहीं भाग सी गई। एक एक्टिवनेस, एक फुर्ती अंदर, बिल्कुल जो कहते हैं ना, एक फुर्ती मेरी अंदर आ गई और मुझे लगा कि आज का दिन मैं बहुत अच्छा गुजार सकती हूँ, बहुत एक्टिव गुजार सकती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह का स्टार्ट बहुत एनर्जेटिक है और बाहर की आमद है, मौसम का आपके मूड के ऊपर बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा बुरा इम्पैक्ट भी पड़ता है। अगर मौसम बारिश वाला हो और गाड़ी ट्रैफिक में जाम हुई भी हो, आप सही टाइम पर ऑफिस ना पहुंचे तो चिड़चिड़ाहट आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है। लेकिन अगर मौसम बहुत खूबसूरत हो, जरा बारिश का मौसम हो लेकिन बारिश ना हो रही हो, बस बादल छाए हुए हो मगर टपक ना रहे हो, और धूप थोड़ी सी कम हो, फूल खिले हों हर तरफ, खुशबुएं महक रही हों और हालात ठीक हो। हालात तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, हमने कहा हम खुशियां मनाना तो नहीं छोड़ सकते, हम जीना तो नहीं छोड़ सकते, क्या हम डर डर के जिए? क्या इधर से बॉम्ब मिल गया, उधर से बॉम्ब मिल गया, तो क्या हम आना जाना छोड़ दें, घर में कैद हो जाएं? जब अल्लाह ने लिखी है, जहां लिखी है आनी है, लेकिन जिंदगी की ये रंगीनियां, ये खूबसूरतियां, ये नेमतें जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, फूलों की शक्ल में, रंगों की शक्ल में, मौसमों की शक्ल में, वो हम कैसे छोड़ दें? एक एक लम्हा जो हम जी रहे हैं वो बहुत कीमती है। हम मशीनी जिंदगी नहीं गुजार सकते जी, इतने बजे खाना खाया, इतने बजे ऑफिस गए, फिर घर आ गए, थोड़ा सा टीवी देखा और फिर सो गए, और हालात खराब हों तो बस घर में बंद, घर में बंद, घर में बंद। नहीं जी, हम अपनी जिंदगी भरपूर तरीके से जिएंगे, जब तक जिएंगे एक अच्छे कॉज के साथ जिएंगे और दिल खोल के जिएंगे। तो हमारे यहाँ बसंत की जब इब्तदा होती है, जब बहार आना शुरू होती है, जब खेतों में फूल खिलना शुरू होते हैं और जो किसान हैं उनकी, उन्होंने जो मेहनत की होती है, उसका बीज जो उन्होंने बोया होता है, वो फल उन्हें मिलना शुरू होता है, तो एक खुशी की आमद आती है पूरे मुल्क में। रिसर्च ही कहती है कि अगर आपका रूटीन सही ना हो, जैसे कि हमारी औरत जो घरेलू औरत है, जिसके बजाहिर तो कहते हैं वो कोई मतलब वर्किंग लेडी तो नहीं है ना, हाउस वाइफ है, लेकिन सबसे ज्यादा काम वो करती है। सुबह सबसे पहले वो उठती है, अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, फिर घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, और निभाते निभाते रात को उसको सोते सोते भी सबसे ज्यादा वो लेट सोती है, देर हो जाती है उसको सोने में, और उस तरह उसकी नींद नहीं पूरी होती। किधर हूँ, उधर हूँ, लाइट नहीं आ रही मेरे ऊपर, यहाँ आ रही है तो लाइट छुप रही है, यहाँ आ जाओ, ये सही, हाँ देखा, मैं फ्रेम में जरा फूल भी चाह रही हूँ। ये हमारा जो सेट है आज आप देख रहे हैं, बड़ा जबरदस्त आइडिया है, बड़ा प्यारा हमारा सेट डिजाइन किया हमारे सेट डिपार्टमेंट ने, और ये सेट देखकर ही एक बहार की फीलिंग आ गई है। ये झूले, ये फूल, ये पतंगे, ये रंगीनियां, एक बचपन की याद आ गई है। हाँ, अब पतंगे हम उस तरह नहीं उड़ाते जिस तरह हम छत पे चढ़ के उड़ाया करते थे, क्योंकि नुकसानदेह हो गई है, मगर क्या हम खुशियां नहीं मना सकते?
बहरहाल मैं एक रिसर्च की ये बात करी थी कि वो औरत जो अपनी नींद पूरी नहीं करती वो चिड़चिड़ी रहती है और उसकी चिड़चिड़ाहट की वजह से उसकी सारी उसके सारे काम जो है वो अधूरे रह जाते हैं, उसकी बॉडी फंक्शन सही काम नहीं करते, उसका वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसको वक्त बेवक्त भूख लगती है और ये सारी प्रॉब्लम होती है नींद की कम होने की वजह से। याददाश्त जाती नजर आती है जिस वजह से वो मियाँ की कंघी रख के भूल जाती है और फिर मियाँ उससे लड़ता है, मतलब छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती है। तो नींद जो है वो रिसर्च कहती है कि 8 घंटे की बड़ी जरूरी है और जब आपकी नींद पूरी होगी तो आपको हर रोज जो आपका दिन है वो लगेगा जैसे बाहर आई है, खुशी आई है, फूल खिले हैं, है ना। तो कौन है यहाँ जो मेरे साथ ऑडियंस बैठी है, कौन है जो मेरे साथ बाहर की आमद को एंजॉय करना चाह रहा है, कौन है, हाथ उठा ले। आप दोनों तो आ जाए, पीले पीले जो कपड़े पहन के आइए, आ जाए फटाफट, हम यहाँ बैठे, आ जाए मेरे साथ, हम बाहर, टूटेगा तो नहीं ना भाई, पक्का है ना, पक्का काम है, बैठिए तकलीफ बैठिए, पक्का है ना, ओके। तो फिर बाहर की आमद है, पानी पूरी है एक तरफ लस्सी है और बीच में असी है और तुसी भी है। तो जनाब एंटरटेनमेंट कम नहीं होती, एंटरटेनमेंट जिंदगी में भरपूर होनी चाहिए, काम के साथ साथ एंटरटेनमेंट का होना जरूरी है। आज की सुबह ये मैं आपसे वादा करी हूं कि आपकी एक्टिव बना दूंगी, आज के सारे काम जो आप करना चाहते हैं वो आप भाग भाग के करेंगे, क्योंकि सुबह के शो में मैं इतनी एनर्जी भर दूंगी कि आपके लिए पूरा दिन के काम संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस जो मेरी तरफ से दी हुई आपको एनर्जी है, इन एनर्जी के इंजेक्शन मैं आज आपको अपने शो पे लगाऊंगी इस शो को दिखाने के बाद। और जनाब डॉल्फिन शो जो कराची में हो रहा है, शुक्र खुदा का कि कोई अच्छी चीज मुझे मौका मिला ऐलान करने का, कोई एंटरटेनमेंट से भरपूर जो फैमिली जाके वहां एंजॉय कर सके, उसके हम आज आपको 10 पासेस दे रहे हैं। तो जनाब तुम दोनों भी हो सकती हो, लेकिन टास्क देखते हैं क्या है। मेरे कॉलर्स मुझे कॉल करके कोई अच्छा सा बाहर का SMS करें, कोई अच्छी सी बात कहें जिस जो मेरे दिल को लगे और मैं उन्हें डॉल्फिन पासेस दे दूं। अब लेकिन जाहिर मैं कराची के लोगों को दे सकती हूँ, माजरत पूरे पाकिस्तान की तरफ से SMS कीजिए और बाहर की कोई अच्छी सी लाइन कहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आपको बसंत मुबारक हो, फूलों का खिलना मुबारक हो।
बोलने का मकसद ये है कि फूल खिल चुके हैं, बहार आ गई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश ये थी काश हम ये शो खेतों में कर पाते, हर तरफ सरसों के फूल खिले होते, पीले 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 फूल हर तरफ नजर आ रहे होते, तो फिर माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत लगता। मगर क्योंकि हम खुशियां आप कहीं से भी बिखेर सकते हैं, तो हम स्टूडियो से ही सही खुशियां बिखेरते हैं और बहार की आमद का ऐलान करते हैं। मेरे साथ मेरी बहुत सारी सहेलियां मिलकर इस खुशी को सेलिब्रेट कर रही हैं, बाहर को सेलिब्रेट कर रही हैं। कोई और खुशी तो रह ही नहीं गई हमारे मुल्क में कि हम उसे सेलिब्रेट करें, कम से कम खेतों में फूल खिले हैं उसको तो सेलिब्रेट करने दें हम, है ना। तो आइए यहाँ रौनक हम बिखेरते हैं, अपनी सहेलियों को, अपनी दोस्तों को मैं बुलाती हूँ और उसके बाद बड़े मजे मजे की चीजें हम आपके सामने करते हुए नजर आएंगे। फुल एक्टिव होगा शो, फुल एक्टिविटी से भरपूर होगा और ये सारी एनर्जी जो हम सब आपको देंगे वो आपने समेटनी है ताकि आज आपका पूरा दिन बहुत ज्यादा एनर्जेटिक गुजर सके। तो आइए वेलकम करती हूँ सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी, खूबसूरत सी, छोटी सी, मैं सहेली कह रही हूँ लेकिन है वो मुझसे बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी एक्टिंग करते हुए नजर आती है और पीले रंग में तो खिल रही है। आइए वेलकम करते हैं सिद्रा बतूल। ढोल बजाते रहे क्योंकि हमने एक एक भंगड़े के स्टेप जरूर करना है। मोबाइल रख दो, कैसे एंजॉय करती हो तुम बाहर को, क्या करती हो, जाती हो बसंत पार्टीज वगैरह? नहीं जाती। आज ही पहली दफा आई है बसंत, यहाँ गई है ना। तो अब मैं और अपनी आबादी में इजाफा करती हूँ, ठीक है। और मैं बुलाती हूँ पटाखा को, ये पटाखा जब भी आती है शो पे कभी उधर फुदकती है कभी उधर फुदकती है और आज फुदकती हुए मेंढक की तरह नजर आएगी, बस वहां ना फुदक के चली जाएगी। तो आइए वेलकम करते हैं बनीता को। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप मनाती हैं बहार को? बहार तो हम मनाते हैं बड़े धूम धड़के से और बहुत एनर्जी के साथ। वहाँ पे जब मैं बैठी हुई थी तो निदा यहाँ पे बैठी हुई थी और मैंने और निदा ने एक दूसरे को देखे, बड़ा दीपिका स्टाइल में एक दूसरे को टाटा किया है। दीपिका स्टाइल। तो ये है कि बसंत है और हम सब ने बड़े कलरफुल से कपड़े पहने हैं और सेट जो है आप लोग वाकई बहुत मेहनत करते हैं, अपने जो भी इवेंट होता है उसको सबकी बहुत मेहनत होती है। जब तक सेट नहीं बनता तब तक मूड नहीं बनता, जब तक मूड नहीं बनेगा तो फिर कैसे हम एंटरटेन करें। हाँ, और जब आप कोई एवं जुमला नहीं बोलेगा क्योंकि ये फैमिली चैनल है, कंट्रोल बेबी कंट्रोल। नो नो, नेवर इन लाइफ। कैसी बातें कर गई आप? आइए बुलाते हैं एक और हमारी दोस्त, बड़ी चुप चुप रहती है लेकिन बड़ी पटाखा है, वो आपको पता चल जाएगा। आइए वेलकम करते हैं निमरा। हाँ निमरा, कैसे, क्या करेंगे? बहुत अच्छी डालती हो क्या? कभी नहीं बनाई, आटा भी नहीं हाथ में लिया कभी। तो आटा बनवाना चाहिए कुछ, है ना, कुछ ऐसा करवाना चाहिए। नहीं प्लीज नहीं, वैसे ही शक। आप कैसे बाहर जब आती है फूल खिलते हैं उसकी सेलिब्रेशन कुछ करती है या बस खुश हो जाती है? हाँ, फूल खिलते हैं, गमलों में फूल आ गए। नहीं बस हमने तो बस बसंत को एक पतंग का नाम दे दिया तो लोग कहते हैं कि नहीं बस पतंग ही से, लेकिन ये कि बसंत का मतलब है खुशियां बहार और खुशियां बांटे, तो ये कि हम लोग गेट टुगेदर्स कर लेते हैं, खानदान सारा जमा हो जाता है, ये कि हाँ हमने बसंत की है काफी दफा और हमारा लाइक होता है,
तो हम लोग मैदानों पे जाके करते हैं। अच्छा, मैदान हाँ, हमारा लाइक घर के बैक साइड पे एक बहुत बड़ा मैदान है, तो हम लोग वहीं पे चले जाते हैं सारे। आप हमारी दिलेरी देखेंगे लड़कियों की, मतलब माशाल्लाह पूरी माशाल्लाह तो नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं और हम यहाँ बसंत मना रहे हैं। भाई अब क्या करें ना, दुख तो नहीं बना सकते। सही बात है, नहीं हम बांट रहे हैं, हम बांट रहे खुशियां, बांट रहे खुशियां, बांट रहे हैं। तो सुमैया की लाइनर सही हो गया। हाँ भाई, आज फोकस करें आप, यहाँ बसंत जो है वो कपड़ों से झलक रही है, आज सुमैया के आई मेकअप से बसंत झलक रही है। तो आइए वेलकम करते हैं सुमैया मलिक। अस्सलाम वालेकुम, आइए और क्या बताओ, क्या बताओ। फोकस कीजिए प्लीज इनकी आइजिंग पे, इन्होंने आंखें बंद, आंखें बंद, ये देखिए ना पीला रंग है आंखों के ऊपर। ओपन ओपन करो, ग्रीनिंग नीचे भी बहुत सारी है। कलर है, स्प्रिंग का सीजन शुरू हो चुका है, मौसम बहार को यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। माशाल्लाह से मैं देख रही थी आप सारे बहुत प्यारे लग रहे हैं, आप यही सुनना चाह रही थी। और इतने अरसे बाद इतना फेस्टिव म्यूजिक सुना है, मुझे पंजाब गए 10 साल हो गए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, एक बार फिर हो जाए। हाँ जी, तो अब नेक्स्ट जो मैं गेस्ट बुलाने वाली हूँ, ये भी बड़ी हसीन लगती है, नजर आएंगी पीछे का आ गई है, आगे अच्छा ठीक है, माइक भी लग गया है, ये भी बड़ी प्यारी लगती है और जो कुछ है बड़ी दुलारी है, जो कुछ बोल रही होती है वो कुछ कह नहीं रही होती, जो कुछ कह रही होती है वो कुछ बोल नहीं रही होती, किसी ट्रांस की दुनिया में होती है, जो कुछ हो रहा होता है वो कर नहीं रही होती, जो वो कर रही होती है वो हो नहीं रहा होता। और आज तो इसकी जूतियों पे फोकस किया जा रहा है, आज तो घुंघरू तोड़ देगी। आइए वेलकम करते हैं आमना करीम। आमना करीम की जूती पे फोकस करेगी, 2.5 करोड़ रुपए की जूती लेके आई। जब आपके साथ आपके दोस्त हो तो आप तैयार रहें कि आपकी बेइज्जती भी उससे हो सकती है। ये मोहब्बत नहीं है, सब कुछ नहीं, असल में देखिए बसंत है, देखो बसंत है, सुमैया ने बोला मैं आइस के थ्रू लेके जाऊंगी, मैंने कहा कि जूती में गोल्डन होना चाहिए तो मैं वो पहनूंगी, तो सिर्फ इसी जूती में मुझे गोल्डन मिला, मैं पहन लिया। घोड़े तुम तो किसी को मार दो ढूंढे मार मार के, इतनी मोटी नहीं मेरे भी इतना। और अगर अच्छा फर्ज करो आपने तुम्हें पतंग उड़ाने का कोई मौका दे दिया जाए, हाँ तुम इसमें तो स्पॉइल नहीं कर जाओगे, साथ ही उड़ जाएंगे। नहीं मैं जूते उतार के करूंगी, क्या हो गया। सही अच्छा आइडिया। हाँ जी, हमारी छठी गेस्ट आ गई है, तैयार हो रही है। सो मैंने गेस्ट अभी वो तैयार हो रही है, तो आप सबसे पहले जरा बाहर के आने का ऐलान कर दें। खुला हुआ है ये, खुला हुआ इसको, हेलो हेलो, एक मिनट ये खुलेगा ऐसे कैसे, अच्छा अच्छा एक मिनट ये खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, ऑन स्क्रीन जाएगा। अब बारी बारी आप सब लोगों ने बाहर की आमद का ऐलान करना है, कोई मैसेज देना है, कोई मजेदार सा मैसेज, ठीक है। कहाँ किससे शुरू करें, कौन करेगा वहां से? अच्छा चलो मैं पहले मैं शुरू करती हूँ। मुसलमान हाँ। बहारो फूल बरसाओ, मेरे महबूब आए हैं। महबूब महबूब का है हाँ भाई, नेक्स्ट कोई कोई भी लाइन वहां से स्टार्ट कर ले आप। पहले आप पहले अपनी गाड़ी निकल जाएगी, नहीं सुमैया सुमैया गाने गा दो बाहर का, नहीं प्लीज, ये मैंने एक्स्ट्रम्पोर एकदम बोल दिया, मगर अच्छा था जो भी बोला, जो भी बोला तुम तो ले गई भाई। डोरी और पतंगे निकाल लीजिए, बहार आ गई है। हाँ वनिता, एक हंसी भी आनी चाहिए। खवातीनों और हजरात, बसंत आ चुकी है, अपने अपने बिस्तर छोड़िए और सुबह से शुरू हो जाइए और चले जाइए मैदानों में, पतंगे उड़ाइए।
आपको कैसे पता कि अभी तक सब बिस्तर में हैं? No, some people are still in the bedding. ये हेयर ड्रायर वैसे ज़्यादा लग रहा है। हाँ, आप मैं बोल दिया। ये समझो ब्लो ड्रायर है तुम्हारा। बसंत मनाइए, रंगीन कपड़े पहनिए और जश्न मनाइए। Considering, I hope you do well good. Sorry. ख़वातीनों हज़रात खवातीनों हजरात उठिए, शॉपिंग कीजिए, नए कपड़े खरीदिए, मौसम में बहार आ चुकी है। तुम गाना भी गा सकती हो। अच्छा, खवातीनों हजरात, जो ये मेरी खूबसूरत खूबसूरत दोस्तों ने आपको जो कहा, प्लीज उसको फॉलो करें। और बसंत, आई डोंट नो, बनाइए बसंत, जय बसंत। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं, खवातीनों हजरात, हमारे पड़ोसी बहुत नेक इंसान जो हर किसी से बहुत अच्छी तरीके से पेश आते थे, अभी कुछ ही देर में वो मस्जिद के बाहर पतंग उड़ाने आ रहे हैं, तो आप भी उनके साथ आ जाइए। वो ऐलान हो रहा था ना कि नमाज़े जनाज़ा हो रहा है। माफ करें। कबा कबा। तो बहरहाल बसंत का आज प्रोग्राम है, हम शुरुआत करते हैं। एक पीला दुपट्टा लाके दे जरा, मैं खवातीन को ऐसे बैठने नहीं दूंगी। प्यारा पीला दुपट्टा चाहिए। प्यारा सा जो आपने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है, इसमें किसने तुम फुदकती हो? मैंने कहा बस तुम ना फुदक के जरिए। नहीं नहीं, आम ना फिट हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। अच्छा जी, एक पीला दुपट्टा, ये वार्म अप राउंड हो रहा है, अभी हम बिठाएंगे झूलों पे बिल्कुल, और आप झूले भी लीजिएगा। ये एक, इसको कहते हैं पीला दुपट्टा, पीला फूल का, ठीक है? नहीं, इसको कहते हैं पीला दुपट्टा। ये आपके कपड़ों से मैच हो रहा है, मैचिंग विद यू। लेकिन मैंने आपकी इंटेलिजेंस चेक करनी है। अच्छा, ये आप जाके ऑडियंस को दुपट्टे की तरह आपने इस्तेमाल नहीं करना, ये दुपट्टा और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, एक एक चीज करके दुपट्टे की तरह इस्तेमाल नहीं करना, दुपट्टे के अलावा किसी भी कुछ भी चीज आप बना सकती है, किसी भी ऑडियंस के साथ आप ये प्ले कर सकते हैं। आमना, तुम कुछ भी चीज बना सकते, कुछ भी बना सकते। आमना जाओ, चलो आमना, आमना मुझे पता था, खड़ी हो जाए भाई। हाँ, ये पग बन रही है। देखो, पर्दे में पगड़ी किसी ने नहीं पहनी, सबसे ज्यादा इसमें डिफरेंट बात। हाँ, ओके, वेरी नाइस, गुड गुड क्रिएशन। हाँ भाई, जाओ सुमैया, तुम्हारी बारी अब, तुम किसी भी और ऑडियंस पे इस दुपट्टे का कोई और इस्तेमाल कर सकती हो, दिखाइए दुपट्टे के अलावा, ये पीला दुपट्टा इस्तेमाल हो। हाँ, because you are the only one wearing a jeans right now, can you just please come over here एक सेकंड के लिए। मैं यही ढूंढ रही थी अब किसी ने ट्राउजर पहनी हो कि नहीं। हाँ, सही है, ठीक है। ट्राउजर बड़ा नहीं, ट्राउजर नहीं, बड़ा कूल सा स्टाइल है। जरा सा आगे आ जाइए, भांगड़े का स्टेप करना पड़ेगा ये पहन के। नहीं, ओके, जबरदस्त, वो भी बना दी भाई, जबरदस्त बन गई भाई। बेल्ट होती तो यू कुड हैव पुट इट इन योर बेल्ट आल्सो। हाँ, दिखाओ सुमैया, इनकी बेल्ट होती तो वो बेल्ट के वो जो स्ट्रैप्स होते हैं, आप उसके अंदर इसको फिक्स करके बड़े अच्छे तरीके से पहन सकते हैं। मैं ऐसा कर चुकी हूँ। ओके, हाँ, भी बंदे का स्टेप, चलो जी नेक्स्ट। जाओ बनीता, दुपट्टे का क्या करोगी? किसी के साथ भी क्या खेल सकती हैं आप? आप कुछ भी बना सकती हैं। चलो निकलो, दुपट्टे के अलावा, दुपट्टे के अलावा है ना, इसकी विंग्स बना रही हूँ। ये उड़ेगी पतंग के साथ। चलो भाई उड़ो। अब यूं करो, करो तो अच्छा लगेगा। डूए डूए प्लीज, हो सकता है अगले सीरियल में तुम ही हो। सुपर वुमन नहीं कहना, नहीं इसको कुछ और भी चाहिए होगा। चलो यूं तो करो, यूं ऐसे। ओहो लड़की, हाँ ऐसे तो दिखाओ, देखो क्या पतंग बनी है। जाओ अब तुम क्या बनाओगे?
जबरदस्त. अब देखते हैं कि सिद्रा की क्या क्रिएटिविटी आती है. कैन यू जस्ट कम आउट थोड़ा सा दो मिनट के लिए. अच्छा 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 ये बैठो स्टिक हियर. ओह माय गॉड. ओके हम इसके अलावा तुम इसका डायपर नहीं बनाने लगी थी. वो पहले से समझ गई मेरी बेइज्जती. अच्छा मैं तो ऊपर जा सकती हूँ ना. आप बैठ जाएं. अरे गिरना नहीं बहन सिद्रा. सिद्रा हीलिंग पहनी हुई है. नहीं हाँ हीलिंग पहनी हुई है. अच्छा सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हों ठीक है हाँ. और आप बहुत सारे काम कर रहे हो और उस वक्त आपके पास कुछ हो नहीं और आपका बच्चा कुछ खा रहा हो तो आप एज अ एप्रिन भी यूज कर सकते हैं इसको. साथ साथ बोलो बिब बना रहे बच्चे की बिब. अच्छा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे. अच्छा किसी आंटी को पहना दो. किसी आंटी को पहनाओ. अच्छा कोई नहीं पहना तो मैं ही पहन लेती हूँ. हाँ मुझे लगा था ये मुझे लेगी. हाँ ना इधर आइए देखते हैं. अपना दुपट्टा हटाओ. नहीं नहीं देखते हैं कि कुछ नहीं करने वाले. अपना दुपट्टा हटाओ बेबी. हाँ फांसी तो नहीं दे रही बहन. शायद अच्छा तुम भी पतंग टाइप हो. नहीं नहीं ये मुझे लग रहा है कोट वोट बन रहा है कुछ. अब तुम बोलो ही मैन. ओ ही वुमन. कोटी है. कोटी बन गई. हाँ जी. ओके वेरी क्रिएटिव. और जनाब मैं अपने एक और दोस्त को बुला रही हूँ जो बहुत ही मस्ती करती है. बड़ी टैलेंटेड है. सीरियस परफॉर्मेंस देखो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये इसी के लिए बनी है इसी कैरेक्टर के लिए. और जब मस्ती करती है कोई कॉमेडी रोल कर रही होती है तब लगता है कि वो इसी कैरेक्टर के लिए बनी है. और आज जब वो इस शो पे आएगी तो लगेगा कि बस वो इसी शो के लिए पैदा हुई है. तो आइए वेलकम करते हैं उरुसा. उरुसा आते ही आपके साथ एक भंगड़े का स्टेप होगा. उरुसा और तुम बीच में खड़ी होगी. चल इधर. मैं खामखा मर्दों को बुला ले. म्यूजिक ओपन करें. चल स्टेप बता दे जान. हाँ भाई ढोल बनी के बगैर. भूल गई थी कि आज बसंत है तो मैं एक्चुअली सुबह जिस तरह से आई हूँ मैं तो भैया आप अगर मेरे घर सारी पीली पीली क्यों हो रही है. तो मुझे याद नहीं कहा हीरा मुझे माफ कर दो. फिर वो वार्डरोब गए मेरे लिए हाँ. लेकिन वहां से नाम ही धोखा रहा है. अच्छा भाई एक सब लोगों ने एक चीज ये की है कि जो लाउड स्पीकर नहीं नहीं वो हो गया. मैंने इसलिए लेट एंट्री मारी. नहीं तो कोई बात नहीं. नहीं वो हो गया. आपने ये हमारा उसूल है. आज आपने ऐलान करके पूरी दुनिया को बताने की बसंत आ गई. कोई मैसेज दे. चलिए चलिए मैसेज दे प्लीज. तुम तो कर सकती हो. हेलो आवाज आ रही आ रही आ रही डिफरेंट आवाज. नहीं मैंने कहा सुर चेक कर लूं. साहिबान मेहरबान कदरदान आ जाइए बसंत मनाइए. बाहर का सीजन आ गया है. निशान लगे. तो जनाब लीजिए एक छोटा सा ब्रेक क्योंकि ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं बाहर की सेलिब्रेशन आपके सामने करने ताकि आपके अंदर वो एनर्जी भर जाए जो आज सुस्त आप बैठे हुए हैं बगैर पापे बगैर नाश्ते के पापे चाय खाकर आप आए हुए हैं. सर में तेल लगाया हुए हैं. नहाइए. दो दिन से नहीं नहाए. मुंह धोइए. जाइए नहाइए. एक्टिव होए. मैदानों में जाइए. और देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बसंत स्पेशल. पतंगबाज सजना से पतंगबाज बलमा से.
पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को बहार की आमद मुबारक। और यहाँ हम बहार की खुशी में बैठे हैं, सेलिब्रेशन है, खेतों में फूल खिल गए हैं और थोड़ी बहुत खुशी मनाने का मौका हमें मिला है। कौन सा है कैमरा थ्री, मुझे नहीं पता कहाँ है, कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओ अच्छा, हाय। हाँ हमारे साथ उरूसा है, हमारे साथ आमना है, हमारे साथ सिद्रा है, सुमैया है, निम्रा है और खुदकती हुई बनीता है। गुलाब का। वैसे अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं तो बसंत से रिलेटेड चीजों के नाम अगर मैं आपको लेने को कहूं तो कौन कौन से होंगे बताओ। चलो पतंग, मैं भी बच गई। गेंदे के फूल, डोर, चीटर, इसको माइनस टेन। तो इसका बोलना था गोल गप्पे, गोल गप्पे, पिन्ने, वो जो पिन्ना होता है, पिन्ना, पिन्ना, टिपिकल मुकाबला। क्या मुकाबला? मुकाबला। अच्छा, डर क्यों रही हो? हाँ मैं मारूंगी थोड़ी, मैंने छड़ी रखी है, खबरदार पीछे बढ़ो। इस शो के बाद लोग स्टेटमेंट बदल दोगे कि लॉस्ट कौन रहता है, कौन गुम रहता है। एक की मेरी बहन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। सामने बैठे और सोचिए आमना भाई सब लस्सी बना रहे हैं आपको, आपका बहुत दिल चाह रहा है लस्सी पीने। डाइटिंग तोड़ देंगे आज हम एक मजेदार तरीके से लस्सी पिलाते हैं। पार्टी बन चुकी है, सुमैया और उसका पार्टनर है, आमना और निम्रा पार्टनर है, अल्लाह खैर करे दोनों गुम रहती है। हम आपको गुम करेंगे। और बनीता और सिद्रा पार्टनर है। वैसे हो सकता है कछुए खरगोश की रेस में कछुआ जीत गया। यू नेवर नो, नेवर नो। मुकाबला इनके साथ बेइज्जती हो रही है हमारी, ऐसे नहीं ज्यादा यही समझ मुझे तो कुछ नहीं आ रही है, बेइज्जती फील कर रही है। आई एम फीलिंग पहली हमारी जो एक्टिविटी है वो बड़ी ज्यादा मजेदार किस्म की है और वो ये है, लाइए बड़े वो जरा अपाहिज चेयर दीजिएगा के शो में ना कौन सा गेम होगा, क्या करवाई कुछ अंदाजा नहीं होगा। अल्लाह माफ करे, बड़े खतरनाक गेम रखे हैं। ये वही चेयर है जिसपे आप बैठी थी उस दिन। किस दिन? उस दिन अपाहिज चेयर है ये, माफ करे। ये एक ऐसी चेयर है जिसमें आप दोनों पार्टनर्स में से एक को बिठाया जाएगा, ठीक है, को खोला जाएगा। इसको जो है एक खाली ग्लास पकड़ाया जाएगा अपने पार्टनर को और उस पार्टनर को लस्सी भर के उसके अंदर, वहां पे लस्सी का जग है, लस्सी भर के पार्टनर को लस्सी का ग्लास दे दिया जाएगा और उसने अपना जग भरना है, ठीक है। 50 सेकंड दिए जाएंगे। अब जैसे फर्ज करो उरूसा खड़ी है और सुमैया बैठी है, उरूसा ने सुमैया को हल्का सा धक्का दिया और सुमैया वहां तक पहुंच गई। सुमैया आगे सुनो, सुमैया ने अपना जो लस्सी का भरा हुआ ग्लास था अपने जग में डाला और उसके बाद उरूसा ने इस रस्सी से दोबारा से लस्सी का ग्लास सुमैया भरेगी, उसको अपना जग भरना है। 50 सेकंड का टाइम मैं तीनों टीम्स को दूंगी अलग अलग, ये सिंगल सिंगल हम कर रहे हैं क्योंकि टकरे ना हो जाए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे ये जिद बहस होगी कौन पहले करेगा, तो फुगम फुगाई करते हैं। देखो जो बच्चियां हैं वो पहली चली जाए, बड़े बच्चे बात सुने, आप सब मेरे आगे बच्चियां हैं, ठीक है, आप सब मेरे आगे बच्ची है, ये बंदी मैं आंटी हो गई, तो बैठोगी ना, इतने पुगे बना बना के आ गए। क्वेश्चन हमारे पास जो लस्सी का ग्लास होगा वो जब तक वहाँ जाएगा वो तो गिर नहीं जाएगा। नहीं आप इतना ना भरिएगा ना, आप उसको आधा भर लीजिएगा, आप थोड़ा कम भर लीजिए, ठीक है। बड़ी की भैंस बच्चे पहले जाएंगे, अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताओ, बहस नहीं करो, बहस नहीं करो, ऑडियंस में से कोई बताए कौन पहले जाएगा जल्दी से। मेजॉरिटी में कौन, मेजॉरिटी में कौन जाएगा पहले? आ जाओ हाथ खड़ा करे सारे, यही उम्मीद थी। और इनकी पतंगे बनाओ, कौन बैठ रहा है, कौन धक्का दे रहा है, जल्दी से तय कर लो जल्दी, फिर हम टाइम डिसाइड करें। मुझे हार्डली याद, बिल्कुल एक्टिव। हाँ मैं खींच लूंगी। खींच लोगे? हाँ नहीं मैं रेडी, बताओ जल्दी से क्या आप तैयार हैं?
जल्दी बताओ टाइम नहीं है। बताए तुम कर लोगी हार्डली। नहीं तुम बैठो मैं तुम्हें खींचती हूँ। सही है चलो ओके ग्लास और ग्लास एंड योर टाइम। एक मिनट रुको क्या हो गया रस्सी से थोड़ी पहले धक्का दो कि पहले ग्लास भरो फिर उसको पकड़ाओ फिर धक्का देना ये क्या कर रही हो। एक मिनट अच्छा चल चल आ जाओ रूसा खड़े हो चलो सर एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। ये तो खुली नहीं रही खोलो यानी बनीता और सिद्रा का आ जाइए इसको ढक्कन में ढक देती हूँ। ये सही नहीं हुआ ये चीटिंग हुई है पता है ये जो है ना ये हमारा सही था। अच्छा, ये हमने ना कल कम डाला हाँ तो हमें ज्यादा डालना चाहिए था तो अब आप ही मान लीजिए ना मैं बेहतर प्लीज चलो भाई आ जाओ ऐसी फीलिंग मेरा आ जाओ हाँ चलिए आप नेक्स्ट हाँ जी नेक्स्ट कौन है भाई आ जाओ भाई मैं भी अजीब बन गया कौन है भाई भाई दो करोड़ के जूते उतर चुके और एंड आमना का और निम्रा का टाइम स्टार्ट होता है अब टाइम स्टार्ट होता है अब कान में बहुत तेज आवाज है मेरे कान का पर्दा फट जाएगा कम करो इन सब की आवाजें आ रही है एंड उरुसा और निम्रा का सॉरी सुमैया का टाइम शुरू होता है अब पकड़ो ग्लास पकड़ो ग्लास you
लड़कियों को देखिएगा जरा, दो फुहड़ लड़कियों को देखिए। अगर हमें पता था कितना वाइल्ड हो रहा है, इसको उससे बड़ा वाइल्ड कोई नहीं। मैंने तो अच्छा एक मिनट, अब तुम सब लोगों का माइक बंद है। अच्छा मेरी प्यारी सजनियों, नहीं भाई नहीं दिया, नहीं 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 हमने जहालत से नहीं खेलना। अच्छा एक मिनट, दिस इज अ वेरी फैमिली शो। बात सुने, मैंने ये कोई मैंने कोई रूल नहीं बनाया था कि आपने बहुत सोफिस्टिकेटेड अंदाज में खेलना है। मैंने कहा था आपका जग भरा होना चाहिए जिसका आप तलाबाजी खा के खेलेंगे। देखो आपको क्या मिल रहा है? आपको दो पासेस मिल रहे हैं डॉल्फिन शो के। आपको मिलेगा जब आप लोग जीतेंगे, रोए नहीं, आइए। अच्छा भाई आप लोग थक गए होंगे बहुत। हम नहीं थके। गोलगप्पे खाना किसको पसंद है? गोलगप्पे खाएंगे, ठीक है गोलगप्पे खाएंगे। लाइए भाई, भूल जाना क्या, एक एक प्लेट जल्दी से बना दिया। मेरी बहनों बैठो, ये शो हो रहा है, ये लड़कियां मेरे काबू में नहीं है, ये लड़कियां मेरे काबू में नहीं है। गोलगप्पे की प्लेट पकड़ो, मैं सोफिस्टिकेशन में खर्च खींचती रही। अभी ना खाना, अभी ना खाना, अभी रुक जाओ। आप जैसे भूल जाती थी, मुझे खींचो, मुझे खींचो। हम लाइव जा रहे हैं, हम ब्रेक में नहीं गए। आप सबको दे रही हूँ मैं बराबर बराबर। अभी नहीं खाना, मतलब अभी नहीं खाना, मुकाबला होना है। ओ यस, इस पे भी टिश्यूज रख दो हमारे पास, पहले हमारे पास से जाओ, हमारे पास टिश्यू कौन, ये लो ना, बहुत बुरी है ये। हमें जी ये मेरी जो लड़कियां ही समझ रही थी, थोड़ी उधर भी हो जाओ ना, मतलब क्या हो गया, अच्छा मेरी टीम में है क्या? ये टिश्यू पेपर मेरे पास है, क्या बताइएगा। आप लोगों ने गोलगप्पे फटाफट खत्म करने, जो पहले खत्म कर लेगा उसको, नहीं तो दोनों को पहले खत्म करने होगा, उनमें से जो दोनों को नहीं जो भी उसको एक पास मिलेगा ना, फिर जो जीतेगा उसको एक पैसे। क्या रखते और एक ही दोनों में जो पहले खत्म करेगा ना दोनों पार्ट। अच्छा देखो एक बात सुनो, तुम लोग चाहते हो ना लोग ये प्रोग्राम देखे, टाइम स्टार्ट्स नाउ। डॉल Ha ha ha!
क्या जो कौन सिद्रा और उसने साथ है जो मुंह पहले खाली करे अब मुंह खाली किसका है पहले चीख के दिखाओ चीख के कौन पहले तुम दोनों ने साथ खाया था मुंह भरे हुए थे दोनों के थैंक यू सिद्रा जीत गई है और सिद्रा को मिला है ये गवर्नमेंट योगा पास मतलब तुम्हारे पार्टनर को कब किसी चीज में जीत जाए मैं एक पास खरीद लूंगी अपने पार्टनर की हाँ अल्लाह आंखों में आंसू आ गए देख लो इसमें दो है शायद मेरे पास दो दो पासेस है आपके पास भी शायद दो दो आप अरे वाह पार्टनर हम दोनों साथ हैं हाँ जी अगली तो जनाब एक छोटे से ब्रेक ले रहे और इस खिचड़ी में जो आज पक चुकी है बसंत की खिचड़ी इसको आप इंजॉय कर सकते हैं जितनी एनर्जी आपको हम सातों दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी और आपको हम अगले सेगमेंट में देंगे लेकिन उससे पहले निम्रा को और मैं बुलाऊंगी राफे को जो बसंत के हवाले से हमें कोई जबरदस्त गाना सुनाएंगे हाँ भाई राफे और निम्रा कौन सा गाना हो जाए बसंत का कुछ ये देखो हाथ भी तोड़ गया पतंग उड़ाते उड़ाते गिर गया छत से और हाथ टूट गया पतंगबाज पतंगबाज सजना से पतंग बाबल मा से पतंगबाज सजना से पतंग बाबल मा से आंखों आंखों में उलझी डो लगा पीछा के दिल हुआ वो काटा 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 और बाहर आ जाती है ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा तो वैसे भी मोहब्बत जंग बसंत और मॉर्निंग शो में तो सभी जाते हैं पाकिस्तान और जनाब बाहर आने की खुशी हमें इतनी है कि इस खुशी के मारे आप देख रहे हैं कि हमारी लड़कियां उतावली हो जा रही है खुशी का समय होता है ऐसे घर में शादी हो या कोई फेस्टिवल हो किसी की सालगिरह हो जब सब लोग जमा होते हैं तो खुद ब खुद छिजोरापन कहीं ना कहीं से आ ही जाता है सीरियसली बहुत बहुत मजा आ रहा है आ रहा है ना मजा बहुत ज्यादा आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं आई मीन मैं यहाँ पर हूँ आई एम वेरी एंजॉयिंग हमने सारे एक्टिविटीज इस तरह की प्लान की है कि पहले तुम लोगों की एनर्जी लगे उसके बाद तुम्हें कुछ खाने को मिले है ना ये कितना मजे की चीज है मतलब मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश होने से पहले पहले उसे मिल जाए
तो जो नेक्स्ट नेक्स्ट हम एक्टिविटी कर रहे हैं ऑब्वियसली बसंत से रिलेटेड है, मटके जो के बहुत गांव वालों के लिए बहुत कारामद साबित होते हैं उनके पानी लाने जाने मतलब लाने के लिए कुएं से भरकर, और गांव की खवातीन ना जाने एक साथ कितने सारे मटके बैलेंस करके सर पर और उठा के कहां से कहां तक का डिस्टेंस तय कर रही होती हैं। तो हमारी जो गांव की खवातीन है शायद इस वक्त हमें देखें उनके लिए एक बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, इतनी मेहनत करती है। गांव की खवातीन की मेहनत तो आपने देखी है, लेकिन अब शहर की खवातीन की मेहनत आप देखिए, जिनके पैर हमने बांध दिए हैं, यानी जो जोड़ी 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 है उनके पैर हम बांध चुके हैं, और इन बंधे हुए पैरों के साथ हम इनको 50 सेकंड देंगे। ये मटका जो आप यहाँ देख रहे हैं, फूलों से भरा हुआ मटका यहाँ रखा हुआ है, इस मटके को उठा के बंधे हुए पैरों के साथ दोनों ने अपने कंधों के बीच में रखना है, और गिराए बगैर इस स्पॉट तक पहुंच कर ये मटके को गिरा देना और इसके अंदर ये मटका तोड़ देना है। यार ये क्या बात है, ये इतना तो क्या बताते वक्त तो इतना बड़ा क्यों बता रहे हैं? इसके इर्द गिर्द ठीक है, हाँ मतलब लेकिन ये स्पॉट है यहाँ तक आना ठीक है, और जिससे ज्यादा मटके फोड़े वो होगा इस गेम का विनर। तो क्या आप लोग तैयार हैं? नहीं, इसमें कोई और गिफ्ट नहीं। अच्छा भाई, गरीबों को बोलती कि तुम लोग अच्छा आप आओ जरा आप पुगम की पुगाई करें, पहले कौन जाएगा? हाँ, तीनों में पुगम की पुगाई होगी। नहीं 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 यार ये नहीं, हाँ पहले यही होगा। नहीं 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 बेमानी होती है पुगम की पुगाई। आओ खड़ी हो जाओ, आ जाओ, कोई एक एक करे ना, तीन करना है, छह करने की कह दो। चल भाई उनका पहले जाए, अब इतना टाइम थोड़ी कि मैं पुगम पुगम की पुगारियां कराते हो। हमारी से गलती और चीज से खुश हो, हमारी आ जाओ। चलो जी आ जाए, और जी जब तक ये लड़कियां चलती रहेंगी आपका ढोल बजता रहेगा। आपकी सिर्फ दो मटकियां टूटी हैं, हम वो चूंकि आप यहाँ अपना कचरा गिराती नहीं जाओ। ये ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बैठो उधर बैठो शहजादी, इनके पैर खोल दो शहजादी, पैर खोल दो इनके। हाँ जी शायद उरूसा सुमैया के पैर पे चढ़ी है या सुमैया उरूसा के पैर पे चढ़ी है, तो दोनों के पैर कुछ कुचल से गए हैं। क्या रस्सी? अच्छा आ भाई, हाँ आप कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो नहीं होगा। हाँ ये ऐसी और एक वो इसने कोई कैमरा है मेरी तरफ, लाओ भाई ये मोबाइल तो मुझे। अच्छा ये माइक तुमने लगाना है? नहीं उधर लगा रही थी। अच्छा लेकिन दो ही है तो दोनों में से कोई भी जीत जाएगा। हाँ आप दोनों में से जो निकलेगा वो पहले जाएगा, मैं पगम की पगाई करा रही हूँ। 1 2 3 गो, आप निकली आप जाएंगे। सिलसिला जारी है, सही है, बराए मेहरबानी झाड़ू दे दे ताकि मैं झाड़ू लगा लूं। अगर झाड़ू ही दे दे तो मैं झाड़ू ही लगा लूं। हम फिसल जाएंगे इन पत्तियों से। नहीं पत्तियां बेईमानी ना हो ना, इसलिए मुझे एक झाड़ू चाहिए मट्टी उठा लेने ताकि आज निदा यासर मॉर्निंग शो होस्ट लाइव झाड़ू लगाए। नहीं गिराओ नहीं भाई, कोई कपड़ा ही दे दे, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, बराए मेहरबानी चले दे दो मुझे, मैं लगा लूं। थैंक यू वेरी मच, जल्दी अभी रुके रुके अभी देखने।
लोग किस्मत से झाड़ू की वजह से मिल गया। अच्छा जी एक मिनट, अब बात सुने, इन्होंने दो मटकियां तोड़ी हैं, दो मटकियां काउंट हुई हैं उरूसा और समैया ने। अब आपका टाइम शुरू होता है नाउ। क्या कर रहे हो तुम लोग, हाथ ऐसे रख रहे हो? आई थिंक इसका स्लिपरी है, बिल्कुल नहीं हो रहा है बैलेंस। मैं तुम्हें ये नहीं कह सकती कि कमीज होता, सॉरी, क्योंकि उन लोगों का लॉन का था दोनों का, तो ये सिल्क में स्लिप हो रहा है। एक काम करते हैं, रुको एक मिनट, कोई दुपट्टा, कोई कॉटन का दुपट्टा है? तुम्हारा भी होगा, कोई आम का दुपट्टा है? एक मिनट, इनको एक ये कह रही सिल्क के स्लिप हो रहा है, मेरा भी तो सिल्क और इसका भी कॉटन। तुम कैसे करके चली गई हो तुम? किसके पास कर? चलो एक मिनट, एक मिनट, अब दोबारा से होगा, आपको ये शिकायत है, दोबारा मिल रहा है नहीं, चांस नहीं दोबारा मिल रहा है, क्योंकि मैं तो इनको आउट कर रही हूँ, ये सही नहीं कर रहे थे। ठीक है आप जो है, अब आप चलिए, आपका दोबारा शुरू करो। माई फाता, हाँ आइए जल्दी आइए, चीरिंग चीरिंग चीरिंग। करके देखो, दुपट्टा देना, वो इधर आओ, इधर आओ, दुपट्टा दे दो आमना, अगर आपका, अरे तुम यूं करो ना, थोड़ी पीछे हो, थोड़ी पीछे, ये क्या हो रहा है? नहीं ऐसे नहीं, कंधे के बीच में रखना ये, हाँ कंधे के बीच में, और ये हाथ इस मटकी से ऊपर नहीं आना चाहिए, इनका हाथ यहाँ तक आ गया, सही है, कंधों के बीच में, ये अब देखिए सही है, वो कल अपना छोटा कर ले। अच्छा आपको चाहिए ये? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये लेने भाई से, आप नाक साफ कर लीजिए दोबारा से, मैं धक्का देना, मुझे धक्का देना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये दोबारा मैं नीचे रखूंगी, फिर आप उसी टाइमिंग में जो आपका टाइम होगा उसमें आप, हाँ नहीं नहीं टाइम प्रिपेयर करने को, रुको रुको, टाइम करने को टाइम ही नहीं दिया था, तुम लोगों ने चेक नहीं किया था पहले? नहीं नहीं, किसमें करने, किसमें, वो पर्पल या वो पिंक में? चलो टॉपिक चेंजर, रेडी एक सेकंड, पर्पल या पिंक, अरे किसी में डाल दे मेरी माँ, मेरा माइक, एक सेकंड, रेडी गेट सेट गो, मेरा माइक, मेरा माइक, कंधा कौन सा है? ये था, वो फिसल के आ गया, नहीं देखिए फिसल के, तो अब फिसल के तो पहले कौन लगा था, तो नहीं चिपक सकता ना वो। अच्छा अच्छा आ जाओ, एक मिनट, एक मिनट यार, अच्छा एक मिनट, दोबारा से टाइम शुरू होता है, एक मिनट रुक जाए भाई, एक मिनट, एक मिनट, लिखो लड़कियों मेरी बात सुनो, ये कंधे के बीच में कह रहे हो ना तुम लोग, ये ठीक है, ये अब ये यहाँ रखे। अच्छा एक मिनट, उरूसा और सुमैया तुम दोनों याद है मुझे कि जब तुम लोग कर रहे थे, जब ले दिखाए, एक मिनट, जब तुम दोनों कर रहे थे तो तुम दोनों का हाथ था ऐसे, ठीक है, और तुम लोगों ने ये हाथ लाओ, हाथ ये पकड़ा हुआ था, ये टेक्निक तुम लोगों की भी थी, तो अब उन लोगों को भी टेक्निक करने दो, खबरदार, चलो एंड नहीं हाथ पे नहीं था, नहीं ये कंधे पे जोड़ो, और अगर हाथ रखना है तो हाथ पे, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ, हाथ ही लगाओ, हाथ ही लगाओ, हाथ ही लगाओ, प्रेशर दो, इधर रहो, इधर आओ, मुझे
अभी भी दोबारा खा लो। मैंने एक मिनट अबे अब चुप चुप रखा था इन्होंने। लाओ भाई गिफ्ट लाओ, नेक्स्ट गिफ्ट लाओ। देखो भाई इन्होंने, मैंने कहा था हाथ मटके से ऊपर नहीं आना चाहिए, इनका हाथ मटके से नीचे था, इनका हाथ मटके से ऊपर नहीं आया था। हमारा रूल ये था कंधों के बीच में, तुम्हारे कंधे के बजाय चेस्ट के बीच में और कंधे के बीच में आ गए। देखो साफ बात ये है कि इसका कंधा चौड़ा है तो इसलिए आराम से मटकी वहां फंस गई। ये वाला बीच जो सेगमेंट है वो तुम लोग मानो या ना मानो, हमारी टीम भी देख रही है कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी अच्छा भाई अब नेक्स्ट कंपटीशन। जाहिर है इतनी सारी आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है, पैरों में दर्द हो गया, फर्स्ट एड बॉक्स बुला लें भाई, सबके पैरों में रैशेस पड़ गए हैं। तो अब कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो जरा मीठी हो और उसको खाते ही मुंह में पानी आए, वो गरम गरम आप खुद पकाएं और खाएं। तो वो है, उसका नाम क्या है? जलेबी। जलेबी तो यही तो रंग है बाहर के जिसपे आपको मौका मिलता है सरसों का साग, मकई की रोटी और मीठे में जलेबी खाने का। अब आप लोगों ने जलेबी बनानी है, ठीक है? 50 सेकंड के अंदर जिस टीम ने ज्यादा जलेबियां बनाई, बिल्कुल जलेबी की तरह की जलेबी, वो होगा इस राउंड का विनर। तो भाई कौन पहले जाएगा? पगम 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 आ जाएंगे। दोबारा आप जाएंगे पहले, आप और आप जाएंगे पहले, ठीक है? देखो प्रोग्राम जब टीमिंग हुई थी तो मैंने कहा था सोच लो पार्टनर। नहीं मुझे अपने पार्टनर से कोई शिकायत नहीं, मैं अपने पार्टनर पे फखर है। नहीं नहीं यस मैं अपने पार्टनर पे फखर है। देखिए बात सुना, ये है कुकिंग चैनल से और ये है सुगर बच्ची, तो हम क्यों जी खेल रहे गेम यहाँ पे, तालियां बजाते हैं यहाँ पे। नहीं सोचो हमेशा अपने दुश्मन, अपने दुश्मन को इतना ज्यादा मजबूत ना समझो कि खुद को कमजोर कर लो, ठीक है? कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। चलो आओ आओ। हाँ भाई कहाँ है जलेबी? अच्छा एक मिनट जल्दी से आ जाओ। इनको शुरू में जरा सा बता दें कि कैसे बनेगी, जरा सा एक आप सबको एक साथ दिखा देंगे, ठीक है? सबको जरा नहीं दिखा रहे। अच्छा चलो एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सामने खड़ी है कैमरा, कैमरा भैया पीछे अच्छी की है। उरुसा तुम इनकी जलेबियां काउंट करो कितनी है। 29 जलेबियां। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इन गरम गरम जलेबियों को निकाल के हम खाएंगे और आप देखिएगा। और ब्रेक के बाद देखते हैं कि सुमैया और रूसा की टीम कितनी जलेबियां बनाती है या बनीता की
और सिद्रा की टीम ज्यादा जलेबियां बना के झंडा गाड़ती है विनर का. तो देखते हैं, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. बसंत आ गई है, बाहर आ गई है. पाकिस्तान. और जलेबियां जो आमना और निमरा ने बनाई थी, वो 29 जलेबियां हमने गिनी थी, वो सब हम खा चुके हैं और कुछ रखी भी हैं. आप लोग देख लें, नियत ना लगाइएगा ज्यादा. और अब बारिश शुरू हो रही है उरूसा की और सुमैया मलिक की. देखते हैं कि ये लोग कितने जलेबियां बना पाते हैं. एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ. लेकिन ये क्या बात है, जलेबियां नहीं लग रही है. ये देखे, ये चीज देखे, ये देखे, ये क्या चीज है, इसको तो गिन ही नहीं सकते. आप बताएं भाई साहब, भाई साहब आप बताएं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया. वो आप जलेबी वाला बोल रहा नहीं है. दो तो बनी होगी. मैं कहती हूँ भैंस पर एक बनी बनाई हो गई. जलेबियां बनानी है, जलेबा नहीं बनाना. जलेबा नहीं, रस्सियां थी. ये स्पेगेटी बनाए, जलेबियां बनाना, जलेबियां, जलेबा नहीं. और सिद्रा का और बनीता का टाइम शुरू होता है अभी. रुक जाओ.
گیا تھا. اچھا اب اب تم آؤ گی کون سی؟ ہاں کون گرے گا؟ عروسا تم گنو. عروسا پلیز. جی میں گنتی ہوں. ہاں دوسری پارٹی والی کو گننا ہے. دیکھیں اس کو تو گلے بھی نہیں کہہ سکتے. اس کو بھی نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے کہ نہیں؟ لا میں گنتی ہوں. کہہ سکتے ہیں. ایک منٹ ایک منٹ. وہ ادھر ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس جلیبی کہہ سکتے. گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اور یہ سارا نہیں یہ میں نے سب گن لیے سترہ اور باقی یہ سب جو ہے نا یہ یہ کوئی دل لگ رہا ہے کوئی گردہ لگ رہا ہے. نے اپنی گوری چمڑی کی قربانی بھی دی پھر بھی کوئی بات نہیں. آئے ہائے ہائے یار جلیبیاں کاؤنٹ ہو سکتی ہیں ویسے یار یہ سنیے یہ کاؤنٹ ہو سکتی ہیں بہت گننا بھائی کتنی ہے 29 ہمیں تو پہلے سے پلان کیا تھا ان بیچاروں کو یہ بچے لوگوں کو بھی کبھی نہیں کر پاتے. چلو آ جاؤ سدرا سدرا جلیبی کھا رہی ہو کیا ہار گئی کیا ایک گیم تو جیت گئے نا پلیز ٹوتھ پیسٹ لے آئے. کیوں ٹوتھ پیسٹ لا رہے ذرا وہ بہت بری طریقے اچھا بھائی جو ہماری گاؤں کی خواتین ہوتی ہیں جو کسان ہوتی ہیں جن کی ہر بھی گفٹ دیں بھائی کیا ہو گیا پلیز میرا ہاتھ چلے ہمیں بھی گفٹ دیں. ہاں ہمارا ہاتھ چلے تھا نا بھی گفٹ دیا جائے ہے نا یہ لیں آپ لوگ ڈالفن شو کے پاس. اچھا بھائی اچھا ویورز دیکھیں بھائی جو یہ بہار آتی ہے جو بسنت مناتے ہیں یہ ہم کس کی وجہ سے مناتے ہیں؟ ہمارے فارمرز ہمارے کسان کی وجہ سے کیونکہ یہ اتنی محنت سے کھیتوں میں بیج بوتے ہیں پانی دیتے ہیں اور ہریالی ان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اسی لیے یہ جو ہم نے اگلی ایکٹیویٹی ہے یہ ہم نے اپنی گاؤں کی عورتوں کو دیکھتے مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کی ہے. اور یہ ایک دیوار آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو پھلانگنا ہے ہمیں نہیں یا پھلانگ نہیں سکتی اس پہ آپ نے اپلے تھاپنے ہیں یہی ہوتا ہے نا اپلے تھاپنے ٹھیک ہے ہم دیں گے آپ کو ٹب میں گوبر ہوگا اس نہیں نہیں ایکچولی گوبر ہے جس لڑکی کو بھی مطلب کوئٹ کرنا ہے کر سکتی ہے تو وہ جو گوبر ہے اس کو آپ نے ہاتھ پہ رکھ کے اپلے تھاپنے ہیں یہ میں صحیح ورڈ بول رہی ہوں اپلے تھاپنا اپلے تھاپتے ہی ہیں تو آپ تینوں میں سے کون پہلے جائے گا 50 سیکنڈ میں کتنے بھروسہ کر لیا میں نے دو گیم جتوائے بھی تو ہے. چلو بھائی بس بہت ہی ایک دوسرے کو لانتے دی جا رہی ہیں دوستوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے خدا کے واسطے اس جلیبی کو دور کر دے تاکہ اس کی گرمائش ذرا آئیے بھائی گوبر لائیے گوبر نہیں ہے گوبر ہے یہ دیکھو ہاں جی یہ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کیا ہے ایک منٹ ایک منٹ کدھر رکھو نا ٹیبل سامنے ٹیبل سامنے رکھو بھائی ٹیبل سامنے رکھے نا ایسے تو ہم نہیں کر سکتے چلو ریڈی ہے صحیح ہے ہاں آئی ہوپ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہمارے گھر امی سو رہی ہوں گی ہم نے تم سے کون سے سانپ کو کس کرائی ہے بھائی اچھا
देखे देखे ना, बहुत नेकी का काम, सलीका शार लोग हैं हम, और हमें पता है कि आपने मीटिंग्स पे जाना है, आपने रिकॉर्डिंग पे जाना है, आपके हाथों से गोबर की बदबू नहीं खोलो आनी चाहिए। ये ले, खुल गया। हाँ जी, बस अब कहाँ आएगा भाई, एंड योर टाइम। नहीं रुक यार, ये निदा ये तुम हलवा करती हो। अच्छा माफ कर दो, मैं इसको खोलो खोलो। अरे ग्लास मैंने खोल दी, ये खोलो खोले। ये देखो इसका कट तरीका ये होता है, वो इसमें ये है ना, क्या पानी पानी गाना क्या लगा है तुम लोग। चलो एक मिनट, ये तो सुनाओ ना। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छी तरह साफ करें पूरा प्लीज, ये किसी तरह, ताकि कोई ब्रश वगैरह लाओ ना जिससे ही साफ करो पूरा, कोई कपड़ा कपड़ा कपड़ा, ताकि बिल्कुल बेईमानी ना हो। क्या हाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से साफ करें। हाँ जी बिना कोई कपड़ा, जल्दी जल्दी जल्दी, एक मिनट नहीं स्टार्ट नहीं करा सकते, बेईमानी हो जाएगी। जल्दी जल्दी कपड़ा मार दें, साफ करें जल्दी से, ऐसा नहीं बस जल्दी मोटी मोटी चीजें निकाल दें। हाँ हाँ ये हमने खाई है। चलिए रेडी, कितनी, चलिए बस हट जाएं आप लोग। ओके, और बनीता का और सिद्रा का टाइम शुरू होता है अब। Thank you.
ऑटो में गिनना शुरू करूं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, गिर गया था. गिरने वाले नहीं हम वो कर रहे. अभी गिरा था ना, लगने के बाद जब मैं गिन लूं और गिर जाए तो सही है. 37. कहाँ है वो मेरी शहजादी? शहजादिया का अरे तू है पानी 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 पानी.
गेम रह गया है. उरुसा जा चुकी है और अभी हमारे पास जो पांच हमारी फाइनलिस्ट में इसलिए कहूंगी उरुसा तो चली गई, उनको उनको ये गेम बताने से पहले आप दोनों को मुबारक हो ये गेम जोनास की तरफ से. अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच. इससे पहले कि मैं अगला गेम बताऊं, मैं बताना चाहूंगी वो विनर्स जिन्होंने डॉल्फिन शो के पासेस जीते हैं. वरीशा फ्रॉम हैदराबाद, शमा फ्रॉम हैदराबाद, मिसेस फरान फ्रॉम हैदराबाद, निगहत फ्रॉम हैदराबाद, मोमल फ्रॉम हैदराबाद, सारी हैदराबाद से, शाहाना फ्रॉम हैदराबाद, शैला फ्रॉम कराची, मिसेस सिकंदर फ्रॉम कराची, हनिया फ्रॉम कराची और मिसेस शहबाज फ्रॉम कराची, ये हैं विनर्स डॉल्फिन शो के पासेस जिन्होंने जीते हैं. और जनाब आप लोग अब आपको करना ये है, तीन गमले हमारे सेट पर हैं, पांच लड़कियां हमारे सेट पर हैं, इसमें चाबियां छुपी हुई है, ठीक है. किसी को चाबी मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी, किसी को गलत चाबी मिलेगी, किसी को सही मिलेगी. उस चाबी से आपने वो संदूक का ताला खोलना है, उस संदूक के अंदर हीर के वो है दुपट्टा और बाकी पंखा शंखा है, आपको ये जगह दे दी जाएगी, आपने हीर बन के बैठना है और आप ये शो का आखिरी सेगमेंट जीत पाएंगी. तब तक ग्लव्स की क्या जरूरत है, फूल है, खाद थोड़ी है, फूल में छुपे हैं. जब तक आप लोगों के पैर चलेंगे, राफे की जबान चलेगी. चलो राफे गाना शुरू करो. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय, सावन में लग गई आग दिल मेरा हाय. सुन ले हसीना पागल दीवाने आज ना सोया सारी रात के दिल मेरा हाय, के दिल मेरा हाय. ओ गजरा लगा के आई गेस में, हाय गेस में जमती है गोरी काले भेस में, हाय भेस में जाना ना किसी पल देश में, हाय देश में कन की जो चूड़ी आधी रात के दिल में रहा, के दिल में रहा. राजा मियाँ छड़ो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियाँ. आज का शो मेरा ख्याल से जैसे मैंने आपसे वादा किया था इंट्रो में कि जितनी एनर्जी हम आपको देंगे आपने कैप्चर करनी है और ये सारी एनर्जी यूटिलाइज करनी है थ्रू आउट द डे ताकि आप अपने सारे काम इसी तरह जिस तरह हमने भाग दौड़ की है और हम वार्म अप हुए हैं, हमें गर्मी लगना शुरू हो गई है. हाँ मिलेगा. और अगर अपने बेड से निकल के अभी तक किसी ने नहीं नहाया, सेवन स्काई वाले मैं घर जाके नहाती हूँ, पूरी गोबरों की स्मेल आ रही है. यहाँ खुदाफिस, बाहर की आमद का मतलब है खुशियों की आमद. अल्लाह करे कि ये जो खुशियों की आमद है ये हमारे मुल्क में हमें नजर आए और हम ये जो खून की होली लोग खेल रहे हैं इसके बजाय हम सिर्फ और सिर्फ बाहर के फूलों की खुशबू सूंघें और उनके रंगों को देखें. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एनर्जी.